वीडियो में आप सीखेंगे। इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और IMP चीज़ें स्पीकिंग के लिए, और वो है आपकी ईडियम्स और फ्रेज। ये दोनों ईडियम्स और फ्रेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हमें स्पीकिंग के लिए, जनरली हम जो यूज़ करते हैं। तो आपको कुछ कॉमन मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें जो ईडियम्स भी और फ्रेज भी होती हैं, दोनों ही मान सकते हैं उन्हें। पहली आपकी ABC। ABC हम जनरली बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ABC का मतलब होता है वेरी कॉमन नॉलेज, जैसे ही डजंट नो ABC ऑफ फिजिक्स, ही डजंट नो ABC ऑफ फिजिक्स, तो मतलब वो फिजिक्स की ABC तक नहीं जानता, मतलब उसे फिजिक्स का कॉमन नॉलेज तक नहीं है। सेकेंड है आपका अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, एक्चुअली मैं आपको पहले अल्फा एंड ओमेगा बता देता हूँ क्या होते हैं। ये ग्रीक लेटर होते हैं अल्फा एंड ओमेगा, जो जो आप जैसे ABCD होती है वैसे अल्फा एंड ओमेगा, जैसे A to Z हम A to Z कहते हैं, वैसे अल्फा एंड ओमेगा कहते हैं। जैसे कह सकते हैं कि आई एम हेयर फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, मैं यहाँ शुरू से लेके आखिरी तक हूँ, आई एम हेयर फ्रॉम अल्फा टू ओमेगा, गॉट इट। आप जैसे आपका कोई चीज़ यूज़ करना आपको बिगिनिंग टू स्टार्टिंग, तो इसी तरह से यूज़ करेंगे आप। अब आते हैं अगली इडियम्स पे, जो है आपकी लैटिन एंड ग्रीक। लैटिन एंड ग्रीक ये दोनों ही लैंग्वेज हैं, तो लैटिन एंड ग्रीक का मीनिंग होता है अनेबल टू अंडरस्टैंड। अनेबल टू अंडरस्टैंड मतलब जो हमें जो समझ में नहीं आता, जैसे कहते हैं ना काला अक्षर भैंस बराबर, जिसको कोई समझ में नहीं आता। जैसे मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आती, तो ये ना केमिस्ट्री फॉर मी लैटिन एंड ग्रीक, इंग्लिश फॉर मी लैटिन एंड ग्रीक, कंप्यूटर फॉर मी लैटिन एंड ग्रीक। मतलब जो चीज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड हो वो क्या होता है आपका लैटिन एंड ग्रीक। कहते हैं व्हाट आर यू सेइंग यार, आई डोंट आई योर लैंग्वेज लाइक ए लैटिन एंड ग्रीक, मतलब अनेबल टू अंडरस्टैंड। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं फ्रेजल्स टाइप की चीज़ों का। अब आगे आते हैं आपका है किथ एंड किन। किथ एंड किन ये आपको होता है ब्लड रिलेटिव, ये ब्लड रिलेटिव होते हैं खून की, खून ही रिश्ते, जो खून के रिश्तेदार होते हैं, खून का इनसे रिश्ता होता है। जैसे कहते हैं ना आई एम इन्वाइटेड, आई इन्वाइट ओनली माई किथ एंड किन, मैंने केवल अपने सगे रिश्तेदारों को ही बुलाया है। जैसे कि ही इज माई फ्रेंड बट वी आर लाइक अ किथ एंड किन। किथ एंड किन मतलब क्या होता है आपका खूनी रिश्ते, मतलब सगे रिश्तेदार, जैसे खूनी रिश्तेदार, ब्लड रिलेटिव। अब आपका आता है नुक एंड कॉर्नर। नुक एंड कॉर्नर, नुक एंड कॉर्नर जैसे इसका मीनिंग होता है एवरीवेयर। नुक एंड कॉर्नर का मीनिंग होता है आपका एवरीवेयर, मतलब जैसे हम नहीं कहते हिंदी यार मैंने कोना कोना छान मारा मेरे को नहीं मिला वो, तो आप इसमें इंग्लिश में भी इसको एवरीवेयर की जगह आप नुक एंड कॉर्नर यूज कर सकते हैं। मैंने हर जगह ढूंढा, एवरी नुक एंड कॉर्नर बट आई डोंट फाइंड इट, मतलब मैंने हर जगह ढूंढा। एवरी का यूज कभी नहीं करना, नुक एंड कॉर्नर मतलब आपको होता है एवरीवेयर, एवरीवेयर। इसके बाद आपका आता है नॉट बॉर्न यस्टरडे। नॉट बॉर्न यस्टरडे, नॉट मीन्स वर्ल्डली वाइज होता है, डोंट मेक मी फूल आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, मुझे पागल बताओ मैं कोई कल का पैदा नहीं होता। इस तरह से यूज करते हैं ना, मैं कोई कल से पैदा थोड़ा जो मुझे तुम पागल बना रहे हो। तो लेकिन वाइडली वाइज मतलब जिसको हम पागल नहीं बना सकते, जिसको हम मूर्ख नहीं बना सकते, तो जैसे डोंट मेक मी फूल आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, डोंट टेल अ लाई आई एम नॉट बॉर्न यस्टरडे, इस तरह की चीजें होती हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट नाउ एंड देन। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग इसको। इसका मीनिंग होता है ओकेजनली। क्या होता है ओकेजनली? ओकेजनली जैसे कि आई गो टू टेम्पल नाउ एंड देन, मतलब मैं कभी कभार ही मंदिर जाता हूँ जब कोई त्यौहार वगैरह होता है, या जैसे होता है ना कि हम मंडे और सैटरडे मंदिर जाते हैं, तो उसी तरह से कि आई गो टू टेम्पल नाउ एंड देन। तो नाउ एंड देन मीन्स होता है आपको ओकेजनली, ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। नाउ एंड देन मीन्स ओकेजनली, आई गो टू टेम्पल नाउ एंड देन। ऑर्डर ऑफ द डे, इसके बाद आपका आता है ऑर्डर ऑफ द डे, बहुत यूज करते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ द डे का मतलब इन फैशन, क्या होता है इन फैशन, जैसे कोई भी चीज जो फैशन में होती है अगर आप उसको इन फैशन यूज ना करके ऑर्डर ऑफ द डे कह सकते हो। जैसे कि नाउ द एप्पल इज ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब एप्पल जो मोबाइल है वो आपका ऑर्डर ऑफ द डे है। नाउ टाइम द स्पीक इंग्लिश इन ऑर्डर ऑफ द डे, मतलब इंग्लिश बोलना स्पीकिंग एक ऑर्डर ऑफ डे फैशन में है, फैशन में मानते भी स्पीक इंग्लिश, और जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है उसका इससे अच्छा होगा, इस तरह की चीजें। अब आपका आता हैड एंड शोल्डर। हैड एंड शोल्डर, हेड एंड शोल्डर आपका होता है मीन्स सुपीरियर। हेड एंड शोल्डर मीन्स होता है आपका सुपीरियर। जैसे माई फादर डिड द थिंग्स इज लाइक हेड एंड शोल्डर, मतलब सुपीरियर मतलब इज अ सुपीरियर, जो माई फादर इज हेड एंड शोल्डर मतलब वो सुपीरियर है। क्या है वो? सुपीरियर। अब आपका था लाइफ एंड सोल। लाइफ लाइफ एंड सोल, लाइफ एंड सोल मतलब मेन सपोर्ट होता है। माई फादर इज अ लाइफ एंड सोल ऑफ माई फैमिली। माई फादर इज अ लाइफ लाइफ एंड सोल ऑफ माई फैमिली, मतलब वो मेन सपोर्ट है। जैसे कि मेरे पापा जो है वो मेरे हमारे घर के मेन मेन सपोर्ट है, तो वो उनकी मेन सपोर्ट कर दी, इसमें क्या हो जाएगा आपका
माई फादर इज माई लाइफ एंड सोल ऑफ माई फैमिली। अब आपका था ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट मीन्स इन रिटर्न, वैसे यूज कर ब्लैक एंड व्हाइट के, वैसे तो काला एंड सफेद होगा, लेकिन फ्रेज के तौर में इसको था इन रिटर्न। जैसे कहते हैं ना आप हर चीज लिखित में लो, आई वॉन्ट एवरी थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे हर चीज लिखित में चाहिए, तो आई वॉन्ट एवरी थिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, इस तरह से होता है। अब आपका गिबन, गिबन मीन्स होता है सरेंडर करना, गिबन मीन्स क्या होता है सरेंडर करना, जैसे द थीफ गिबन मतलब जो चोर था उसे सरेंडर कर दिया, द थीफ इज गिबन। तो इस तरह से आपका इडियम एंड फ्रेज कंप्लीट होते हैं। तो आपको ध्यान रखना ये सब चीज, इसको प्रैक्टिस करें, जितना ज्यादा आपको प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको यूज में आएंगे ये चीज और आपको समझ में आएंगे। तो ये आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको स्पीकिंग इंग्लिश के वे में अच्छे से सीखना है आपको, तो प्रैक्टिस करें इनको बार बार। जो भी आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ कमेंट करें, जो भी आपको डाउट है इसमें या आपको कोई दूसरा डाउट हो रहा था आप वो भी कमेंट कर सकते हैं, हम आपको नेक्स्ट वीडियो बना कर देंगे। थैंक यू।